चलिए बात करते हैं राज्यसभा चुनाव के घमासान की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज तीनों प्रत्याशियों के साथ बैठक है, दोपहर में चुनाव पर चर्चा होगी। तो वहीं मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी के साथ ये बैठक है। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रमुख मंत्री मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं अगले एक दो दिन में मॉक पोल की ट्रेनिंग दी जाएगी विधायकों को। विधायकों ने देखी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान। बाड़ेबंदी के दौरान कांग्रेस और समर्थित विधायकों ने ये फिल्म देखी है। उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में ये फिल्म देखी गई है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगी जी, देखिए आज सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि आज तीनों प्रत्याशियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक होने वाली है। क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है? देखिए आयुषी, आज का दिन बहुत अहम है। रणदीप सुरजेवाला पहुंच चुके हैं ताज अरावली और तकरीबन 11 बजे बाद कांग्रेस के जो विधायक हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, और उन सभी के साथ बैठक होगी, जिसमें तीनों उम्मीदवार जो हैं कांग्रेस के, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, तीनों का रहना है। प्रमोद तिवारी अभी नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए गए हुए हैं और वो कुछ देर में वो भी लौट आएंगे। मुख्यमंत्री अभी यही है और जो राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति है उसमें जुटे हैं। और खासतौर से अगले एक या दो दिन बाद मॉक पोल जो कहा जा सकता है कि किस तरह पोलिंग करनी है। बिल्कुल योगेश जी, देखना ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या कुछ खास इस बैठक में रहेगा और बैठक के बाद किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी और तमाम अपडेट्स के लिए।